वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने फीता काटकर जागरूकता यातायात माह की शुरुआत की। पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार पांडे ने जागरूकता यातायात माह की शुरुआत फीता काटकर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सबसे पहले पुलिस वालों को हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर पुलिस का कोई भी कर्मचारी बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के पाया जाएगा तो उसका भी चालान कटेगा। हमको अब सुरक्षित होकर वाहन चलाना है। इसके साथ साथ सभी लोगों से भी कहना है कि अपने वाहन के साथ गाड़ी के जरूरी कागजात भी साथ रखने हैं। जो जरूरत पड़ने पर तुरंत दिखाए बगैर हेलमेट के कदापि गाड़ी न चलाएं और स्पीड पर काबू रखें, तेज गति पर गाड़ी न चलाएं। अपनी गाड़ी को ऐसी जगह खड़ा करें कि किसी आम आदमी को दिक्कत ना हो। तीन सवारी के लिए भी चालान काटना अनिवार्य है। हम आम इंसान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। हम नहीं चाहते कि आम इंसान को कोई भी परेशानी हो और हमारी पुलिस को चालान काटने के लिए मजबूर होना पड़े। अतः सभी को नियम का पालन करना जरूरी है। कोई भी हो, नियम का सख्ती से पालन किया जाए। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक, होमगार्ड, स्काउट निरीक्षक, पीआरडी जवान एवं अधिकारी और आम जनता के जनपद भर से आने वाले लोग उपस्थित रहे। क्या व्यवस्था यातायात के दौरान जिससे कम दुर्घटनाएं? देखिए, आज से 1 नवंबर है, आज से यातायात माह का शुभारंभ किया गया है। आप लोगों की मौजूदगी में मौतों को कम करने की जिम्मेदारी न केवल पुलिस विभाग की है बल्कि पूरी जनता की है। मीडिया बंधुओं का भी इसमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसी बारे में पूरा व्याख्यान भी दिया गया। पूरे 1 माह 300 दिन रोज कुछ न कुछ नया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जागरूकता फैलाने का काम होगा, एनफोर्समेंट का भी काम उतनी ही तेज़ी से होगा। कुछ 5-6 चौराहे ऐसे चयनित किए जा रहे हैं कि वहाँ पे 24 आवर ड्यूटियाँ लगाई जाएँ। इस तरह की ड्यूटियाँ रहें कि वहाँ से गुजरने वाला हर आदमी जो ट्रैफिक के नियम को तोड़ता है वो बिना चालान के, बिना जुर्माने के जाने ना पाए, ऐसी व्यवस्था भी करने का प्लान है ताकि लोगों में ये एक महसूस हो जाए कि बिना यहाँ पे नियम तोड़ने का मतलब जुर्माना अवश्य होगा। सर्टेनिटी जिसको कहते हैं, सर्टेनिटी या पनिशमेंट रहेगा तो निश्चित रूप से इसका फ़र्क पड़ेगा। रही बात दुर्घटनाओं में कमी लाना और मौतों में कमी लाना, ये हम लोगों का परम लक्ष्य है और उसके लिए हम जितना भी हो सकेगा पूरे दमखम से पुलिस विभाग इसमें लगेगा, जनता का सहयोग लिया जाएगा, छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है, उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग लिया जा रहा है, मीडिया बंधुओं का सहयोग लिया, सबके सहयोग से हम लोग एक शानदार तरीके से यातायात माह मनाने में सफल होंगे। और इस यातायात माह मनाने का जो परिणाम होगा वो अगले पूरे साल नज़र आएगा। उसमें मौतों में कमी आएगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, मैनपुरी की सड़कें ज़्यादा अनुशासित नज़र आएंगी। इस तरह का हम लोगों का लक्ष्य है और निश्चित रूप से इस लक्ष्य में हम लोग सफल होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें सक्रिय सहयोग दें, जनता के केवल कमियाँ ना निकालें बल्कि अच्छाइयों को पॉजिटिव तरीके से परोसें। जनता पॉजिटिविटी देखती है तो अब ज़्यादा उसको आकर्षित करती है पॉजिटिविटी, निगेटिविटी को कम लाइक कर रहे हैं लोग। मैं कहूँगा कि उसको आप लोग पॉजिटिवली दिखाएं, जागरूकता फैलाएं और इसका आपको निश्चित परिणाम हासिल होगा। आप ही का जिला है, आप ही की जनता है, आप ही के लोग हैं, वो बचेंगे, उनकी मौतों में कमी आएगी तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। हम लोग सरकारी तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन बिना आपके सहयोग के संभव नहीं होगा, इसलिए आप लोगों की भी सहयोग की गुजारिश है। और हम लोग पूरे माह पूरे दिलोजान से, पूरी मेहनत से 24 आवर काम करेंगे, इस चीज़ का मैं आपको वचन देता हूँ, आश्वासन। सर, वही नवंबर दिसंबर खासकर यातायात का माह होता है, नवंबर दिसंबर तक सर्दी पीक आवर्स में होती है। क्या हाईवे जो लखनऊ एक्सप्रेस वे हमारे यहाँ से गुजर रहा है, ये तो शहर की बात रही, आपने कहा कि चिन्हित करेंगे और चालान किया जाए, हाईवे पर अक्सर की दुर्घटनाएँ होती है सर्दी के मौसम में, वहाँ किस तरीके से होते? देखिए, जो एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ, हमारे ज़िले में करीब 30 किलोमीटर पड़ता है, 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है। आपने सही कहा कि वहाँ पे चूँकि कोहरे का टाइम आएगा, बहुत धुंध होता है, कोहरा होता है, उसमें एक के बाद एक कई गाड़ियाँ आपस में कई बार टकराती हैं और उसमें मौतें भी ज़्यादा होती हैं, तो उसको रोकने के लिए हम वहाँ पर ड्यूटियाँ बढ़ाएँगे। और साथ ही साथ जो फॉगिंग लाइट्स की व्यवस्था होती है वो इन्फोर्स कराई जाएगी, रेडियम रिफ्लेक्टर लाइट्स जो लगाई जाती हैं उसके लिए भी कराया जाएगा। और एक्सप्रेसवे पे खासा ध्यान दिया जाएगा कि उसमें दुर्घटनाओं में कमी आए।
तो उसके लिए एक विशेष कार्य योजना अलग से तैयार करवाई जा रही है, उसका पालन करवाया जाएगा और निश्चित रूप से वहाँ पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सर जनता के लिए क्या अपील करेंगे? जनता के लिए मैं अभी कह चुका, आप सभी हमारी जनता हैं, जनता के आप आईज एंड ईयर्स हैं, आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट लगाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, बहुत तेज स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। ये तीन चीज़ें अगर आप कर लेंगे ना तो 90% आपकी जो मौतें हैं दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। मैंने तीन ही बातें बताई कि हेलमेट लगा के चलिए, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और मैंने बताया ओवर स्पीडिंग ना करें, बहुत तेज़ गाड़ी ना चलाएं। ये तीन भी फॉलो कर लेंगे तो 90% आप कमी ला सकते हैं। जनता से मेरा यही उम्मीद है कि पुलिस के चालान से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग जो आप करते हैं उसको भूलें, वो ऐसा नहीं करना है। अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में, अपने परिवार वालों का चेहरा देखिए, बच्चों का चेहरा देखिए कि आपको घर भी वापस लौटना है। जब ये भावना रख करके आप हेलमेट की बात सोचेंगे और ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की बात सोचेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हम आपकी सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए हैं, आप हमारा सहयोग करिए, आपके पूरे परिवार को भगवान सुरक्षित रखे, मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ।